दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल करने से आपकी सभी तरह की थकावट, कमजोरी, हड्डियों और जोड़ों में दर्द या सूजन हो, शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, बालों का झड़ना, टूटना या कम उम्र में सफेद होना, खाल का सुकड़ जाना, कम उम्र में बूढ़ा दिखना, आंखों की कमजोरी हो, जल्दी जल्दी सांस फूलता हो, कैल्शियम की कमी हो, खून की कमी हो, याददाश्त कमजोर हो, सोचने समझने की शक्ति कम हो गई हो, मांसपेशियां कमजोर हो गई हो, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, वीर्य पतला हो गया, शुक्राणु की कमी, सेक्स पावर कम हो गई हो, इन सभी परेशानियों को ये नुस्खा सिर्फ 15 दिन में ही ठीक कर देता है और इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस नुस्खे में आपको क्या क्या लेना है और इसे इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 20 या 25 मखाने लेने हैं, रात भर पानी में भीगे हुए 10 बादाम छिलका उतार कर लेने हैं, 4 अखरोट की गिरी लेनी है। याद रहे, अखरोट की गिरी आपको हाथों हाथ निकालनी है, बाजार से निकली हुई बासी नहीं लेनी है। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच काले या सफेद तिल। अब इन सभी चीजों को ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। अब इसे एक शीशे के डब्बे में कर लेना है। याद रहे, इस डब्बे को आपको गर्म जगह नहीं रखना है, आपको इसे ठंडी जगह रखना है। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास दूध को अच्छे से खोलाना है, फिर इसमें 1 चम्मच पाउडर डालकर सिर्फ 1 बार खोल लगानी है, यानी दूध को 1 बार और उबाल लेना है। उबालने के बाद इसे गिलास में कर लें और हल्का गुनगुना रहने पर इसे पी लें। अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें स्वाद अनुसार मिश्री मिलाकर भी पी सकते हैं। याद रहे, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है और मिश्री को दूध उबालने के बाद ही मिलाना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको दिन में 1 बार सुबह खाली पेट करना है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको दूध में 1 चम्मच पाउडर मिलाना है, और अगर आप 8 साल से 12 साल के बच्चे को ये नुस्खा इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो आपको आधा चम्मच पाउडर लेना है, और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, आप जब तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हो और आपका शरीर पित्त प्रकृति वाला है, यानी आपको इसे लेने से ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, या आप पहले से ही दांत खाज खुजली के मरीज हैं, तो आप 1 चम्मच की जगह आधे चम्मच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करते वक्त आपको धूम्रपान, शराब, तली हुई सभी चीजें और चीनी से बनी हुई सभी चीजों का परहेज करना है, और जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं और रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।